गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर फोर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वाई बराबर थ्री एक्स प्लस फाइव का कैसा हल होगा। तो यदि कोई समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसमें हमेशा अनेक हल होते हैं, ठीक है, और यदि एक चर वाला होता तो अद्वितीय हल। दूसरा क्वेश्चन है, एक्स माइनस टू वाई बराबर फोर के लिए निम्न में से कौन सा एक हल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है, जैसे यहाँ पे एक्स बराबर चार यहाँ पे रख दो और ये वाई की जगह जीरो रख दो, क्योंकि ये जो वैल्यू है पहली वाली वैल्यू एक्स की कहलाती है, दूसरी वाली वैल्यू वाई कहलाती है। तो एक्स की जगह हम चार, वाई की जगह में जीरो, तो दो में जीरो का गुणा तो जीरो, चार में से जीरो घटाओगे तो चार ही आएगा, मतलब पहला ही ऑप्शन इसका सही है। फिर समीकरण वाई बराबर ए का आलेख, यदि वाई बराबर कोई पॉइंट है जीरो के अलावा तो हमेशा एक्स अक्ष के समांतर होगा, और यदि एक्स बराबर कोई पॉइंट होता तो वाई अक्ष के समांतर होता, ठीक। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप के समीकरण को क्या कहते हैं। तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, ठीक, तो इसमें लिखेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण पहला नंबर। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख, अब देखो रैखिक समीकरण चाहे दो चर वाला हो चाहे एक चर वाला हो, वो हमेशा कैसा होता है, सरल रेखा होता है। कैसा होता है, सरल रेखा, ठीक। फिर यक्स बराबर ए, ये देखो आ गया ना यक्स बराबर ए का आलेख, तो वो बाई एच क्या होगा, समांतर, बाई एच के क्या होगा, समांतर होगा। एक्स बराबर जीरो पर डैश डैश का समीकरण, यदि यहाँ पर एक्स बराबर जीरो है इसका मतलब इसमें एक्स अक्ष नहीं है, मतलब कौन सा केवल है, बाई एच, तो इसका आंसर होगा बाई एच का समीकरण है। फिर बाई बराबर जीरो है तो एक्स अक्ष का समीकरण होता है, सही है। फिर बाई बराबर एम एक्स के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को निरूपित करता है, बिल्कुल सही है। यदि यहाँ पर प्लस करके कोई नंबर नहीं है तो हमेशा मूल बिंदु से ही होकर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सी नहीं है। जैसे यहाँ पर देख लो ए एक्स प्लस बी पर प्लस सी, यदि ये सी ना होता तो ये भी मूल बिंदु से ही होकर जाता। फिर है तीसरा नंबर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित कोई बिंदु रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता, गलत। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर कोई बिंदु स्थित है तो उसमें अद्वितीय हल भी हो सकता है और अनेक हल भी हो सकता है, तो ये गलत है। रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है, तो इसका आंसर होगा हाँ, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है, बिंदु ही होता है जो भी हल मिलता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए एक्स बराबर दो और वाई बराबर वन समीकरण का एक हल है। तो इस समीकरण में एक्स की जगह दो रख दो, वाई की जगह एक रख दें, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा, एक्स की जगह दो, वाई की जगह एक, दो दूनी चार, तीन एकम तीन, चार तीन सात, मतलब के का मान क्या मिलेगा, के का मान मिलेगा सात, ठीक है, समझ में आया। जहाँ पे एक्स था वहाँ पे दो रख दिए, जहाँ बाई तो वन रख दिए, दो दूनी चार, तीन एकम तीन, चार तीन सात। फिर सिक्स नंबर क्वेश्चन है, इस ये भी उसी प्रकार है, इसमें जो समीकरण है थ्री बाई इक्वल टू ए एक्स प्लस सेवन है, ठीक। अब इसमें हमें क्या बिंदु दिया है, तो समीकरण हो गया, और बिंदु दिया है एक्स बराबर तीन वाई बराबर चार, यहाँ पे एक्स बराबर तीन वाई बराबर चार, ठीक है। पहला पॉइंट हमेशा एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, तो जब ये पॉइंट हम इसमें रखेंगे, बाई के जगह चार रखना है, बाई के जगह चार,
और ए की जगह तीन, तीन चौको बारह थ्री ए। अब सात को प्लस सात को इधर लाएंगे तो माइनस सात होगा, ठीक। बारह में सात घटाएंगे पाँच आएगा, अब तीन गुणांक है तो बटे के नीचे जाएगा, ए बराबर पाँच बटे तीन, ठीक। सातवां क्वेश्चन है दो और चौदह से होकर जाने वाली एक समीकरण लिखिए, तो बहुत सरल है। दो चौदह बिंदु जो है से होकर जाने वाले का एक समीकरण, कोई भी लिख दो एक समीकरण। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर सोलह, ठीक है। कैसे एक्स प्लस वाई बराबर सोलह, एक्स की जगह दो वाई की जगह चौदह, चौदह दो सोलह आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर एट है, ये एक संबंध है, ठीक है। इसमें सी बराबर तीस है तो एफ का मान ज्ञात कीजिए। देखो जब सी बराबर तीस, तब जहाँ सी है वहाँ तीस रख दो, नाइन अपॉन फाइव इंटू थर्टी प्लस थर्टी टू, पाँच छक तीस तो नौ छक चौवन प्लस बत्तीस, चौवन में बत्तीस जोड़ दो, चार दो छः पाँच तीन आठ, तो अतः तीस डिग्री सेल्सियस बराबर छियासी डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर, ठीक। नौवां नंबर है टू एक्स प्लस वन बराबर एक्स माइनस थ्री को हल कीजिए, तो टू एक्स प्लस वन बराबर एक्स माइनस थ्री, तो टू एक्स प्लस एक्स इधर गया माइनस एक्स, यहाँ माइनस तीन है प्लस वन इधर गया माइनस वन, तो दो एक्स में एक एक्स घटाओ एक्स, सेम साइन जुड़ेगा तो एक्स बराबर माइनस चार आंसर, ठीक। फिर दसवां नंबर है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, समीकरण के रूप में बहुत सरल। मान लो माना नोटबुक की कीमत या कलम की कीमत, तो माना बुक या नोटबुक जो भी लिखना हो, बुक की कीमत मान लो एक्स रुपये है तथा कलम की कीमत क्या है बाई रुपये, तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जो बुक की कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुनी है, तो बुक की कीमत बराबर दोगुनी मतलब दो का गुणा कलम की कीमत, तो बुक की कीमत है एक्स दो बाई, तो बाई को इधर लाओ माइनस टू बाई, यही है आंसर, ठीक। ग्यारहवें नंबर में जो है ए बी सी के मान लिखना है, ठीक है। जैसे पहले लिखा है टू एक्स प्लस थ्री बाई बराबर नौ दशमलव तीन पाँच, तो इसमें से टू एक्स प्लस थ्री बाई नौ दशमलव पाँच को इधर ला लो, नौ दशमलव तीन पाँच इधर आ गया, बस हो गया। जो किस प्रकार है, जो ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप का है, ठीक, जहाँ ए बराबर दो बी बराबर तीन सी बराबर माइनस नौ दशमलव तीन पाँच। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन है ये माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर सिक्स, तो माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर सिक्स, सिक्स को भी इधर ला दो, बहुत सरल है। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू होगी माइनस टू, ओ इसको इधर लाना था ना अभी नहीं लाए,
ये माइनस कर दो या जीरो कर दो तो बन जाएगा बी बराबर थ्री सी बराबर माइनस सिक्स। ठीक, इसी प्रकार तीसरा है एक्स बराबर थ्री वाई, तो एक्स माइनस थ्री वाई बराबर जीरो। यहाँ पे ए बराबर क्या होगा वन, बी बराबर होगा माइनस थ्री, सी बराबर जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ सी है ही नहीं। चौथा नंबर है थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू होगी वो थ्री होगी, बी की वैल्यू जीरो क्योंकि बाई का कोएफिशिएंट बी कहलाता है, सी बराबर दो। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चन थे चैप्टर फोर में। अब नेक्स्ट वीडियो चैप्टर सिक्स के लिए।